केजरीवाल सरकार के शेल्टर होम से 9 लड़कियों के गायब होने के मामले पे कांग्रेसी सड़कों पर है। राउज एवेन्यू जो डीपीसीसी का कार्यालय है वहां से सचिवालय तक जाने की महिला कार्यकर्ताओं ने कोशिश की है, लेकिन सचिवालय से पहले ही आईटीओ की रेड लाइट पर इन महिला कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। दिल्ली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या कुछ डिमांड है आपकी? और अभी तक इस्तीफा अभी डिमांड नहीं किया जा रहा राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष खुद कह रही हैं कि वहां पर बद इंतजामी है, वहां पर टाउट्स हैं जीबी रोड के, लेकिन वो भी इस्तीफा नहीं मांग रही है। देखिए, ये हैरानी की बात है कि डीसीडब्ल्यू चेयरपर्सन हर बात पे लोगों को नोटिस भेजते रहते हैं, लेकिन दिल्ली में जो महिला और बाल कल्याण विभाग है वो खुद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी संभाल रहे हैं, तो उनको इस्तीफा का मांग क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का होता है, लेकिन ये तो बस खाली एक दो ऑफिसर्स को इन लोगों ने सस्पेंड कर दिया। और मांग की बात जो है, अगस्त में जब बिहार की घटना हुई थी मुजफ्फरपुर में, तब दिल्ली महिला कांग्रेस की तरफ से दिल्ली के सारे शेल्टर होम्स में हम लोग एक सर्वे किया था और बहुत सारे इरेगुलरिटी सामने आए, तभी हमने मांग किया था और केजरीवाल जी को पत्र लिखकर यह भी डिमांड किया था कि ये सारे के सारे शेल्टर होम्स में इमीडिएटली सोशल ऑडिटिंग करवाया जाए, लेकिन कुछ नहीं करवाया जाए। केजरीवाल सरकार सोते रहे और इसीलिए आज इस हादसा घटी, इस तरह की दुर्घटना घटी कि 9 लड़कियां जो दिल्ली जो हिंदुस्तान की राजधानी है वहां से गायब हो गए हैं। और ये केजरीवाल सरकार एक महिला विरोधी सरकार है, जब से ये आए हैं और जब से केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ से बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दिल्ली जो राजधानी है यहाँ महिलाओं के प्रति अत्याचार का हार पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। बड़े बड़े शहरों में मतलब लगातार रेप्स मोलेस्टेशन की घटनाएं बढ़ते जा रहे हैं। ये दोनों के दोनों सरकार बिल्कुल विफल है और केजरीवाल जी से हम ये मांग करेंगे कि इमीडिएटली मनीष सिसोदिया जी को सस्पेंड किया जाए। मैम, निचले स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है, जांच के नाम पर लीपापोती भी हो रही है लग रहा है, लेकिन असल मकसद हल नहीं होगा। देखिए, असल मकसद कुछ नहीं हल होगा, क्योंकि सबसे बड़ी अगर ये जिम्मेवार सरकार होती तो तभी हमारे बात सुनकर सोशल ऑडिटिंग करवाते। और मुजफ्फरपुर में इस तरह की घटना घटने के बाद तो कोई भी सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट्स को इमीडिएटली सारे शेल्टर होम्स में प्रोएक्टिवली जाके सोशल ऑडिटिंग करवाना चाहिए था। तो इस तरह की घटना घटी क्यों? इस तरह की घटना इसलिए घटे क्योंकि ये बिल्कुल ही एक जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की और जो आप सरकार है, ये बिल्कुल सोई हुई सरकार है, गैर जिम्मेवार सरकार है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की कोई अनुभव भी नहीं है और कोई नियत भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस मांग कर रही है कि मनीष सिसोदिया को इस मामले के अंदर इस्तीफा दिया जाना चाहिए। स्वाति मालीवाल पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत चूंकि डिसेबल आता है इसलिए वो अपने बॉस को नोटिस नहीं दे रही हैं, उनके इस्तीफे की मांग नहीं कर रही हैं। देश भर में कोई भी ऐसा मामला होता है तो डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष मांग करती है मंत्रियों के इस्तीफे की, लेकिन इस मामले में मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग डीसीडब्ल्यू की तरफ से नहीं की जा रही। कैमरा मैन रोहित के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। सोनी जी, झुलझुली में ऐसा क्या हो गया कि वहाँ से लोग दहशत में चले गए हैं और बताया जा रहा है कि वहाँ के जो इंचार्ज है उन्होंने भी बीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया है? केजरीवाल की गलत नीतियाँ, तानाशाही और हिटलर शाही पे उतर गया केजरीवाल। आदेश जारी